जी मार काट में तो सुने दी पई खास खास खबर इमरान खान आखे ना मैं झुकया ते ना मैं कौम को झुकन देसा ना मैं विकया ते ना मैं अपनी कौम को विचेसा। इमरान खान दे इने बोले दी वजह तू पूरे पूरे पाकिस्तानी बल्कि पूरे मुसलमान दे इमरान खान दिल जीत गिदे। जी मौलाना फजलुर रहमान को अवाम आदि पई है कि तेरा सियासत क्या काम है, तू मौलवी है तू अल्लाह अल्लाह कर ते अल्लाह को राजी कर। मौलाना जी जरा तवज्जो फरमाओ, ये खबर भी सुननी चाहिए कि मौलाना साहब की तबीयत भी टेंशन की वजह तू खराब थी गई है और मौलाना साहब आजकल इंजेक्शन लवेंदे खड़े। नवाज शरीफ का भी नवा बयान सामने आ गया। नवाज शरीफ आके मेरा बिरा शहबाज शरीफ मेरी खातिर लड़ जावे दे, अगर वो मेरा केस जीत गया तो मैं पाकिस्तान आसा न था मैं को मोया समझाए। जी नाजरीन बिलावल भुट्टो को भी काफी सारे लोग मशवरा दिते कि तू जड़े ना कोई गाल न की कर नहीं तो वला तेरी कांपे टांग वेनिन। जी नाजरीन मरियम नवाज भी कल आख दिते कि इमरान खान सीट तू नहीं पिया लांदा सीट नहीं पिया छुड़ेंदा ते धूप दे विच आवन के मेरा रंग भी काफी ज्यादा काला थी गए। जी नाजरीन जरदारी तो कहीं सवाल किते के जरदारी साहब आजकल तुसा कोई अपना नवा बयान नहीं दे दे पाए। जरदारी जवाब दिते कि मैं किवें बयान देवा, मेरा बिलावल मेरा कोई फक्का छोड़ी खड़े मेरा काख छोड़ी खड़े जो मैं बयान देवा। जी नाजरीन शहबाज शरीफ अपने कारकुन को आखे कि इमरान खान को आखो जल्द अज जल्द सीट खाली कर दे, मेरी शेरवानी पुरानी थी नहीं है, मेरा भी दिल करे कि मैं वजीर आजम वाली शेरवानी पावा। वैसे सारे लीडर को चाहिए है हक ते सच ते गाल करें, हक सच दा साथ देवें ते इवें अवाम दा साथ देवें। अवाम दी वजह तो ये जीत वेने, अवाम दी वजह तो एमएनए दी वजह तो ये वजीर आजम वजीर आला बन देन। ना को अवाम दे बारे सच्चा और अच्छा सोचना चाहिए है। दोस्तों तुहाडी राय दे विच केड़ा लीडर अच्छा है, केड़ा लीडर हक ते सच ते, कमेंट दे विच अपनी सोहनी सोहनी राय दा इजहार जरूर करे। सो जिंदगी रही वलाब, मिलसो नवी वीडियो दे नाल। ओके अल्लाह हाफिज़।